Welcome to Time News Studios. You are watching 12 AM Bulletin. सिंध सरकार जो कारनामो काछे में बोड़ मुतासर इलाकन जी सर्वे जी भी जहमत न कई बिना सर्वे जे इलाका आफत सटियल करार देन जो नोटिफिकेशन जारी रिलीफ खाते जे नोटिफिकेशन में जोही तालके जी 11 यूसीज जे 80 देहन के आफत सटियल करार देन वयो जोही 2 वाही पांधी ट्रोड़ पटगुल मोहम्मद रिगवाला छिनी 1 छिनी 2 शाह हसन कमाल खान खररी जादव शहीद 1 एंड 2 यूसीज का इलाका आफत सटियल करार बैरूत धमाकन लिबनानी हुकूमत किराए विधी धमाकन खिलाफ आवाम के सख्त रद्द अमल एहतजाज बाद वजीर आजम हसन दियाब काबीना समेत इस्तीफा दई छी कौम के खिताब कदे वजीर आजम बैरूत सानिहो करप्शन जो नतीजो है केस दाखिल थे घुर्जे जिम्मेवार के अंजाम तक पहुंचाने वाले मुतालबे से आवाम से गड आन पार्लियामेंट हाउस बहर एहतजाज दौरान मुजाहरीन ए सिक्योरिटी फोर्सिस में चक्रियं बैरूत धमाकन में 200 का मानू अजर जो शिकार 5000 शहरी जख्मी थे मुल्क में लॉकडाउन खत्म समूरा कारोबारी मरकज खुली वया बाजारों में एहतियाती उपाय मुकम्मल नजरअंदाज इंतहाई घट मान मास्क इस्तेमाल कयो सिंध हुकूमत कारोबार एंड ट्रांसपोर्ट खोलने जो नोटिफिकेशन जारी कर छोड़ो नोटिफिकेशन मूजिब कारोबारी मरकज हफ्ते जहा 6 दिन सुबह 6 का रात 8 वगे तक खोलने की इजाजत होंगी रुगो छंछर से कारोबार रात 9 वगे तक खुलल रहंदो ब्यूटी पार्लर जिम ए समाजी विथी वारन रांदन ते लगल पाबंदी खत्म दरगाहों भी SOPs तहत खोलन की इजाजत सिंध में शादी हॉल्स ए तालीमी इदारा 15 सेप्टेंबर का खोलिया वेंदा माफिया हुकूमत के पाले रही है हुकूमत उन माफिया जो छा बिगाड़ी सुप्रीम कोर्ट कराची में सरकारी ए निजी इमारतों से लगल समूरा बिल बोर्ड्स ए साइन बोर्ड्स हटाने जो हुक्म दई छो शहर में बिल ए साइन बोर्ड्स हटाने जा इख्तियार कमिश्नर हवाले अदालत रिमार्क सिंधे है तो जैसे कुछ थो तो हुकूमत जो दाणो पानी बंद थी वो कमिश्नर साहब तुम बा इख्तियार आयो कार्रवाई कर समूरा साइन बोर्ड्स हटाए छो कराची के हर को तबाह कर रो है हर को पंजे हिस्से की बाल्टी भरे हलो वो है लगे तो सब माफिया बनल वजीर के ऐसो तो मुस्कुराईंदे वड़न वड़न गाड़ियों में घुमंदा हुकूमत की रिट किथे है हर मानू माशाला लगाया वेठो है सिंध जो वो वजीर हेलीकॉप्टर से घुमी फिरी वापस मोटी है मानू की मौत ए कराची शहर में सफाई जो जिम्मेवार केर है शहर के केर साफ कंदो सुप्रीम कोर्ट जो कराची में हद दखलन वे केस की बुधनी दौरान एजी सिंध का पुछाणो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क ने रोजानो गटर के पानी में मारदा बुढ़ी फौती मुझी गाड़ी जो फीथो गटर में फांसी पे हो लगे तो कराची के मानन से दुश्मनी है सिंध हुकूमत ए लोकल बॉडीज की भी कराची से दुश्मनी है सिंध हुकूमत जे यूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान के भा जियाउर रहमान के डीसी सेंट्रल जो ओहदो छड़न का रोके छो कम जारी रखने की हिदायत मुकर्री से तनकीद बाद वफाक सनस खिदमतों वापस केपी सरकार हवाले कई हुई वफाकी सरकार के नोटिफिकेशन बावजूद जियाउर रहमान डीसी सेंट्रल कराची जो ओहदो ना छो इस
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत पार्क लेन रेफरेंस में अगोने सदर आसिफ अली जरदारी ए अनवर मजीद सूदो बेन जवाबदार फर्द जुर्म लागू कर छोड़ो। जवाबदार तरफा अदालत आरो डोह मंझण का इनकार। एहतसाब अदालत जज आजम खान अगोने सदर आसिफ अली जरदारी का पुछो तो तवान की जात कड़ी है, फर्द जुर्म में लिखनी है। आसिफ जरदारी चयो तो सिंधी है, सिंध की नुमाइंदगी कंदो है। नैब तरफा पार्क लेन रेफरेंस में 61 शायदन की फहरिस्त अदालत में जमा। अगोने सदर आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक जरिए पेश थी चयो तो समूरन इल्जामन के रद्द करे तो। मुझे वकील की गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म लागू कर वो है। जवाबदार से फर्द जुर्म लागू करने वकील की मुआवनत घुर्बल होंगी है। एहतसाब अदालत जज मोहम्मद आजम रिमार्क सिंधी चयो तो जी असा अदालती फैसले में लिखंदी तो फर्द जुर्म लागू करण वक्त तवाजो वकील मौजूद न हो। पार्क लाइन रेफरेंस से बुधनी 1 सेप्टेंबर तीन मुलतवी। मेयर कराची चवे तो मूट इख्तियार ना कोई घर वनो छो मेयर थी वेठा आए हो। सुप्रीम कोर्ट में बुधनी दौरान चीफ जस्टिस जो मेयर कराची का पुछाणो। मेयर अदालत के आगाही डींदे तो संदस मुद्दो 28 अगस्त से खत्म थी वो। चीफ जस्टिस तवा हलिया वनो, कराची शहर की जान छुटी पवे। कराची के मेयर मुस्तकिल तौर शहर के तबाह कर छो है, शहर ला केर भी कुछ नो करे। मेयर कराची अदालत बाहरियां गालहाइंदे तो सूबाई ए वफाकी हुकूमत इख्तियार के बहाने से कराची के तबाह कर छो है। वसीम अख्तर चयो तो संदस इस्तीफा ए बलदियाती इदारन के मजबूत करण का सवाए कराची के अवाम का मसला हल ना। जोही में एफपी बंद से पानी में लात बाद एफपी बंद के मुख्तलिफ हंधन तां लगल घारा बदन लाए कोशिशों तेज। काछे में बोर्ड सबब फाथल समय खानदान अन्या ताई इमदाद जो सीड़े में वेठल। खुराक की कोट समेत केतर अजियतन के मुंह दियन ते मजबूर। पाक फौज की टीम इंतजामिया तरफा फाथल मानून के महफूज हंधन से मुंतकिल करने लाए ऑपरेशन जारी। जोही हाई स्कूल में कैंप कायम थे बावजूद मुतासरन के मुंतकिल न किया वो। इंतजामिया खाधे पीते जो सामान मुतासरन के दियण बदर रस्ते से उछले छो। में अंदर पानी आ घणी जायूं फाटी पियो हैन, कच्चा घर किरी पिया हैन, जो माल जो चारो आपो वो खत्म थियो, घणा कोट किरी पिया हैन, घणन में घणो नुकसान आ। हन मल भी 4 फुट 5 फुट में पानी जका है वहा बैठो आ। हर घर जे ता अंदर विंदो ता के पानी पानी नजर इंदो। चेंज जाय ते कट आयो आ, पानी तमाम घणो निकरी यो आ, ऐ निकरे पे थो पर तद भी पानी में लाश को साई। जद सूर्य हाल इहा ही रही, जद इन को कम न थियो तो जोई के नुकसान है। जाबलू पट्टी से तेज बरसातों बलोचिस्तान में भी तबाही मचाए छी। नसीराबाद सिब्बी बोलान ए झलमक्सी में 300 का गोठ मुतासिर। पानी जो तेज वहकरो केतरा कच्चा घर ए चौपायो माल लोढ़े वो। परे वारन इलाकन में केतरा मू फाथल। पाक फौज ए मकामी इंतजामिया जो टीमू रेस्क्यू ऑपरेशन में रुधल। कोयटा ए सिब्बी में जमीनी राबतो काटा थे बाद रेलवे खाते तरफा मुसाफिर लाए शटल ट्रेन हलायण जो फैसलो। बलोचिस्तान के वे वजीर जाम कमाल तरफा सिब्बी डिवीजन के मुतासर इलाकन जो दौरों। इंतजामिया तरफा खेस बोर्ड उन नतीजे में थियल नुकसान बाबत ब्रीफिंग। सिंध सरकार 18 ग्रेड के 30 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स के इंतजामिया अहदन तां हटाए छो। हायर सेकेंडरी स्कूल्स में मुकर्रर तालीम खाते नोटिफिकेशन जारी कर छो। जलहार वेझो गोठ हरियार में बिन नारिन सा मुबैना तौर लजालुट की कोशिश के हेठ जे इल्ज़ाम हेठ ब जवाबदार केवल ए काछबो भील सोघा पाड़ेवारन मारकुट बाद बिन्हीं जवाबदार के चलहार पुलिस हवाले कर छो। पुलिस जवाबदार के अणजातल हंध मुंतकिल कर छो। लजालुट के इरादे जो केस दाखिल कर छो। जरियन मौजिब सरधुरियों मामलो राजूनी जरिए निबेरण वाल कोशिश में रुथल।
सिंध में कोरोना 10 मरीजों जो हयातियों गड़काए वो 278 नवा केस जाहिर थियण बाद सूबे में वायरस अटल जो अंग 1,24,127 थी वो। वडे वजीर कोरोना जा नवा अंग जारी करने है तो गुजरियल 24 कलाक दौरान कराची में 93 नवा केस जाहिर थिया। कंबर में 18, सखर में 13, हैदराबाद दादू और खैरपुर में 12 शहरी कोरोना के शिकार। सांगड़ में 9, शिकारपुर में 11 शहीद, नजीराबाद और छठो में 8-8 नवा केस जाहिर। खेपरो लग अछड़े थर में समा बिरादरी के बिंदुन में पुराने तकरार तां झेड़ो एक जणो अब्दुल गफूर समो कतल, 3 जणा जख्मी। जख्मी की हालत नाजुक होने सबब खेन हैदराबाद रेफर किया वो। वाके बाद धुरन में छिकताण तेज। शहदादपुर वेझो घर अंदर पुरसरार नमूने गोली लगन के नतीजे में औरत हेड कॉन्स्टेबल लेला लाखो मारी वही। लेला लाखो की नंढी भेण जो चवण है तो भेण वो बशीर लाखो पिस्टल साफ कर रो हो तो इतफाकी तौर गोली छुटी वही जेका लेला के मुंह में लगी। पुलिस मूजिब वाके वाले हंध तां तेल कपड़ो एक खोल और पिस्टल भी हथ कर वो है। वाके की जांच कई पी वे तो वाक्य इतफाकी है या कतल। औरत हेड कॉन्स्टेबल जो लाश पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतकिल। एडिशनल आईजी सखर टाइम न्यूज हुमायूं शरीफ के रिपोर्टर इमदाद पहुंवर से पुलिस के वेश्याने तशद्दुद की जांच कर SHO मेहदी रजा टालपुर बेन अहलकार खिलाफ सख्त कार्रवाई जो हुक्म दे छो। SP कामरान जरकोन जांच ऑफिसर मुकर्रर। सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल सूदो बेन सहाफती तंजीमुन हुमायूं शरीफ में पुलिस गर्दी की मजम्मत करने है तो SHO खिलाफ कार्रवाई न कई वही तो सहाफी बिरादरी सराफा एहतजाज बणजी वी। हर हर जन्म वर बो बची है हर जन्म वर बो मिठा महरान में मिलबो मिठा महरान में मिलबो। खत्म ऊंधाय की बीवी खत्म ऊंधाय की बीवी चिट्ठी चांदान में मिलबो मिठा महरान में मिलबो। सिंध के अरडे पुट शहीद बशीर खान कुरैशी की 61 सालगिरह मल्हाई वही। शहीद बशीर कुरैशी की सालगिरह के मौके से जसकम चेयरमैन सनान कुरैशी की अगवाणी में मरकजी क्यादत रतोदेरो में मजार से हाजिरी भरी। सिंध के मुख्तलिफ शहर में शहीद बशीर कुरैशी के भेटा पेश करने तकरीबू। जसकम चेयरमैन सनान कुरैशी है तो सिंध इन वक्त केतर ही मसलन में घेरल है। असा अदम तशद्दुद के रस्ते से हलंदे शहीद बशीर कुरैशी जहाँ जिद्दोजहद कर हामी आयूँ। आए मुल्क में सोन लागी तो महंगो थियण बाद सस्तो थियण लगो। फी तोलो अग में 3,000 रुपया लात सोन जो फी तोलो 1,29,000 रुपया थी वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन टाइम न्यूज़ से गए दाऊं हां ताहिरा वजीर हेडलाइंस हमारे क्यों तफसीली खबरों शॉर्ट ब्रेक खां पोए।